हार्ड वर्क हमेशा आपको ऊपर ले जाएगा, आपके साथ लक नहीं है तो भी ऊपर ले जाएगा, लेकिन लक आपको ऊपर नहीं ले जाएगा। लक बस एक बार मौका देता है और उस मौके को भी हार्ड वर्क ही पुश करता है। आप मेहनत करेंगे तभी वो मुकाम पाएंगे, बिना मेहनत का कोई दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। समझे बच्चे? मैं धन्यवाद देती हूँ फादर रोशनर जी को, इतना प्यार और इतना सम्मान मुझे दिया हजारीबाग में जेवियर स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ आई मीन इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी एंड आई वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। और इतने सारे पेरेंट्स से भी बात करने का मौका मिला, आई फील लाइक स्पीकिंग एंड स्पीकिंग एंड स्पीकिंग, बट आई नो आई हैव टू स्टॉप बिकॉज 8 बजे कार्यक्रम भी खत्म होना है और आप लोग सब काम धाम छोड़ के बच्चों को टाइम दे रहे हैं। ये सभी जो पेरेंट्स जो अपना समय निकाल के पेरेंट्स नाइट प्रोग्राम में आए हैं उनको हम बहुत कंग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि आप बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आए। कई पेरेंट्स बहुत व्यस्त रहते हैं, इस तरह के कार्यक्रम में उतना समय नहीं निकाल पाए, लेकिन व्यस्त होने के बाद भी पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, बच्चों को समय दे रहे हैं, समय निकाले हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह से बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और बच्चों को बच्चों के अच्छे फ्रेंड्स बने। पेरेंट्स, आजकल का जेनरेशन ऐसा हो गया है कि बहुत चीज़ें बदल गई है और बहुत स्पीड से बदल गई है, 4-5 सालों में ही बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि अब आप पुराने ख्यालात में रहें या पुराने चीज़ों को सोचें, अब बहुत फ्रीडम देने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत छूट देने की ज़रूरत पड़ती है। अब बहुत ग्लोबलाइज हो गया है ज़माना, तो आपको बच्चों को समझने की ज़रूरत है और आप तभी समझ पाएंगे जब आप समय बिताएंगे। समय नहीं बिताएंगे बच्चे फोन पे पूरा एनर्जी वेस्ट करेंगे, बच्चे फ्रेंड्स ढूंढ लेंगे, बच्चे मिसगाइड हो जाएंगे और आपका जो सपना है कि बच्चे सक्सेस करें जो भी क्षेत्र में, वो सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरा ये छोटी बहन या न बेटी के रूप में हमको देख के, और मेरा ये प्रार्थना रिक्वेस्ट जो भी है सजेशन